अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मिकी ऑथर कहते हैं, सिंस आई हैज बीन लेफ्ट द टीम, रिजवान बीन इंक्लूडेड टू द साइड, तब से लेकर इसकी परफॉर्मेंस बड़ी इनक्रेडिबल रही है। लेकिन उसके साथ फिर ये भी कहते हैं कि रिजवान की जो इनिंग्स है वो अगर हमें 70 पे जो है 80 स्कोर करके देता है या 60 पे 70 करके देता है तो वो हमें इनिंग्स नहीं चाहिए, हमें वो प्लेयर चाहिए जो 18 बॉलों पे 40 करके दे। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसकी बैटिंग पोजीशन को चेंज किया जाएगा। अब देखेंगे जो 2024 का वर्ल्ड कप है T20 के हवाले से बात कर रहे हैं, वहां पे हमें थोड़ा गौर करने की जरूरत है। साइम जो है हमारे पास एक नया यंगस्टर आया है, वो अच्छी इनिंग्स खेलता है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो उसको आप बाबर के साथ ओपनिंग करवाएं, उसके बाद फखर को आप वन डाउन पर रखें, चौथे नंबर पर आप इसको करें, क्योंकि ये स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है और जो है रोटेट करता है स्ट्राइक को, जिसकी वजह से मिडल ओवर में प्रेशर बढ़ता है ऑपोजिशन पर। तो ये एक अच्छी चॉइस है उनकी। मिकी ऑथर का माइंड हमें पहले ही पता है कि वो शार्प है जरा।